माइक नंबर एक में कोई भाई खड़े हैं, आप सवाल कीजिए। इस्लाम कहता है कि एक ही बार आदमी पैदा होता है, एक ही बार मरता है और बाद में क्यामत होती है। लेकिन आप देखिएगा दुनिया में कि कोई बेरामुखा मतलब डेफ एंड डम होता है, पैदा होते ही ब्लाइंड होता है, हैंडीकैप होता है, जिसका पैर भी नहीं रहता है, और तो ऐसा क्यों है? और दूसरा बात ये भी है कि मरने का भी तरीका सबका अलग अलग है। कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राइट्स में मरते हैं, कोई क्या नेचुरल वे से मरता है, तो ऐसा क्यों है दुनिया में? महेश भाई का सवाल है कि इस्लाम में हम इस दुनिया में एक बार आते फिर मरते, फिर क्यामत पे फिर से उठाए जाते, इस दुनिया में एक बार आते, तो ऐसा क्यों कि कोई लोग जो पैदा होते हैं, कोई अपाहिज पैदा होते है, किसकी टांग ने, किसके हाथ ने, ऐसा क्यों? कोई लाचार पैदा होते। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, आपके लिए इम्तिहान है, क्योंकि जन्नत में जाने के लिए टांग होना जरूरी नहीं है, जन्नत में जाने के लिए दौलत होना जरूरी नहीं, जन्नत में जाने के लिए ये जिंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुबहाना व ताला ने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि आपको जांच सके आप में से अच्छे आमाल वाले कौन हैं। तो ये जिंदगी हमारे लिए एक इम्तिहान है। आपका अच्छा सवाल था कि क्यों कुछ इंसान पैदा होते अपाहिज, कोई बीमार, कोई अच्छे सेहतमंद, क्यों? इसकी वजह है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, हर साल एग्जामिनेशन पेपर बदलता है क्या नहीं? अगर आप कहेंगे कि हर वक्त पेपर सेम रहना चाहिए तो टेस्ट किधर, एग्जामिनेशन किधर? तो अल्लाह ताला कहता है कि जिस तरीके से आपको जो नियामत दी उस तरीके से एग्जामिनेशन अल्लाह ताला उस पेपर को परखेगा। मिसाल के तौर पे अगर एग्जामिनेशन पेपर आसान है तो टीचर उसको स्ट्रिक्ट तरीके से जांचता है, अगर पेपर मुश्किल है तो एग्जामिनर उसको आसानी से जांचता है। तो उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में, आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी दौलत आपके लिए फितना है, एक टेस्ट है। अल्लाह ताला टेस्ट कर रहा है उस बच्चे के वालदेन का, देखना चाहता है कि अगर बच्चे को पैदा करते अपाहिज, या बच्चा जब पैदा होता दिल की बीमारी के साथ, वो देखना चाहता है कि फिर भी उसके वालदेन अल्लाह पे ईमान लाते क्या नहीं। और जितना डिफिकल्ट टेस्ट उतना बड़ा रिवॉर्ड। आप अगर एक आम बीए ग्रेजुएशन पास करते हैं तो आपका नाम महेश है, वो मिस्टर महेश ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आप अगर मेडिकल एग्जामिनेशन पास करते हैं, MBBS पास करने के बाद आपके नाम के आगे लग जाएगा डॉक्टर, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना मुश्किल है, मुश्किल एग्जामिनेशन पास करते रिवॉर्ड भी ज्यादा है। तो अल्लाह ताला अलग लोग को डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में डालता है, किसी को दौलत देता है, किसी को गरीब बनाता है। जब दौलत देता है वो देखना चाहता है कि दौलत के बाद ये इंसान ज़कात दे रहा है कि नहीं, खैरात कर रहा है कि नहीं। वो गरीब इंसान को ज़कात में 100% मार्क्स मिल चुके, गरीब इंसान को ज़कात ही नहीं देने का। हम बोलते अरे बेचारा गरीब है, उसको 100% मार्क्स मिल गए, ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकते 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे अपने कपाइश पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाइज पैदा करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नौज़ बिल्ला,
मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है, आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा, एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब भी उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र था कम अज कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है, किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते हैं, तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया, जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है जांचने के लिए आप में से कौन शख्स अच्छा है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।